الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. देखिए आप लोगों की मजलिस है और बात पूरी आप तक पहुंचे इसलिए मैं अपने मतलब बजाय अंग्रेजी का सेशन चल रहा है पूरा मुनासिब था कि मैं अंग्रेजी बोलूं लेकिन इंशाल्लाह दोपहर में अपने पास वक्त है हम तलबा के साथ बैठेंगे सुन जाए अभी ऐलान ऐसा हो रहा था बाकमाल आलिम दीन और ये वो सब ये हजरत की मेरे हक में दुआ समझता हूँ और मैं आमीन कह रहा हूँ आप भी आमीन कहिए कि अल्लाह ताला हमारे हक में कबूल फरमाए हमारे तलबा के हक में कबूल फरमाए। देखिए सबने पहली बात तो यह है अभी हमारे एक तकरीर भी हमने जो सुनी थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को जमा फरमाया उस वक्त सहाबा की पूरी उम्मत थी वहाँ उनके सामने आपने खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया और उसमें आखिर की जो लाइनें हैं आप अगर देखें इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व इन्ना अबाकुम वाहिदुन के ओ मैनकाइंड योर लॉर्ड इज वन एंड यू आर फ्रॉम सिंगल पेरेंट ये जो आप सलासन ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद एक हैं और तुम्हारा रब एक है उसके बाद आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात उन तक पहुंचाओ जो यहाँ हाजिर नहीं है। सहाबा ने पहुंचाया उन तक जिन तक पहुंची उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में ये दो हकीकत आज भी पहुंचाने की ज़रूरत है चाहे हिंदुस्तान हो हमारा या बैरून मुल्क हो सब जगह इन्ना अबाकुम वाहिद का भी इनकार है और इन्ना रब्बकुम वाहिद का भी इनकार। इन्ना अबाकुम वाहिद का क्या मतलब था कि दुनिया से सारी तफरीकें और अब आप अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका का तो जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है यहाँ इंसानियत कास्ट सिस्टम से परेशान है वैसे अफ्रीका में काले गोरे का फर्क है अपार्टाइड सिस्टम था अभी तो ख़त्म हुआ कि कालों का अलग होता था उनकी स्कूलें अलग उनकी जो है महल्ले अलग गोरों के महलों में कालों को आने की इजाज़त नहीं थी उनकी होटलें अलग होती थी इस तरह से इंसान परेशान हाल थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी उम्मत को कि तुम उनको जाकर बताओ कि तमाम इंसान बराबर है जैसे तमाम इंसान एक हैं ऐसे ही उन सब का पैदा करने वाला भी एक है तो ये पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए थे वो शरीयत इसलिए आई थी कि तमाम दूसरे कवानीन को मिसमार कर दे और चूँकि जिसने पैदा किया है उसने ये पूरे कानून दिए थे तो उसका कानून ही सब कानूनों में अफजल होगा। आज शरीयत की फौकियत को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है वो बेचारे नादान भी जानते नहीं। तीसरी चीज़ ये कि जो है अल्लाह का निज़ाम अल्लाह के रसूल से दिया हुआ जो निज़ाम है आपके सुनन है इन्हीं में पूरे उम्मत की भलाई है। जो अभी 6 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है उन तक ये पैगाम भी पहुंचाना है ये हुआ एक मुकदमा हमारी बात का। अब दूसरी इस पर आते हैं ये अब कौन पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत है मफहूम उसका सही है कि उलमा जो है अम्बिया के यानी बनी इसराइल के अम्बिया के मुआफिक हैं वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने हर नबी को उसकी कौम की जुबान में भेजा। हर नबी को उसकी कौम की जुबान में क्यों भेजा अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ही खुद बयान फरमाते हैं लियुबय्यिना लहुम ताकि वो नबी उनके सामने इतना खोल खोल कर बयान करे
कि कोई उम्मती ये ना कहे कि मैं समझा ही नहीं आपने क्या कहा। अब जो है इसीलिए तमाम अंबिया जो है अपने कौम की जुबान में एक्सपर्ट होते थे। हमारे आपका सरकार जो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अरबी इतनी फाइन और इतनी क्लासिकल थी कि एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मोड़ में कहा, अल्लाह के रसूल आपकी जुबान बहुत आला है। तो कहा उमा यम नौ मिजाज قد ولدت في قريش وولدت في بني سعد ایسا کیوں نہیں ہوگا میری پیدائش قریش میں ہوئی ہے اور مجھے دودھ پلایا گیا بنو سعد میں انا افصح العرب ایم دا موسٹ ایلوکوینٹ پرسن ان عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سب میں اعلیٰ تھی تو ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ماہر ہوتا ہے اور لسان کا لفظ لائے لغت کا بھی نہیں ہے لسان مطلب یعنی لوگوں کی عادی زبان کا بھی وہ ماہر ہوتا ہے لوگ سمجھتے کس طرح سے ان کے اطوار ہے ان کے اپنی نجی باتوں میں وہ کس طرح کے محاورے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہر نبی کو اپنی زبان اپنی قوم کی زبان میں اللہ نے بھیجا علامہ علوسی نے یہاں ایک بات لکھی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے استثناء رکھا ہے آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا اس لیے اس امت اللہ کے نبی کی ڈبل بعثت ہے بعثت مقرونہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی بھیجا گیا ہے اب یہ امت دوسری زبانوں میں دوسروں تک پیغام پہنچائے گی اللہ کے نبی کو تو عربی زبان میں بھیجا گیا ہے اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے پوری انسانیت اس وقت کیسی ہے اچھا زبان کی اہمیت کتنی ہے دیکھیے دنیا میں آج تک کسی بھائی نے اپنے بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا ہوگا جتنا حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پہ کیا کیونکہ اللہ کی نظر میں سب میں بڑا اسٹیٹس نبی کا ہوتا ہے حضرت موسیٰ نے سفارش کر کے اپنے بھائی کو نبوت دلا دی اب اس سے بڑا احسان تو کوئی قیامت تک کر نہیں سکتا جب وہ فیور دلانا تھا تو سفارش کیسے کی وہ اخی ہارون و افصح منی کہ میرے بھائی ہارون ہے نا بولتے بہت اچھا ہے تو اس لیے ان کو نبوت دی گئی یہ جو تقریروں کے مشق بھی ہے اب تقریروں سے جو ہے نا زندگیاں بدلتی ہیں ابھی ہم لوگ دسمبر میں ترکی میں تھے محمد فاتح کی تاریخ ہمارے جو ہیرو ہیں مطلب بہت ہیروں کی تو ہمارے یہاں تعداد کوئی کم نہیں ہے طارق بن زیاد ہے اس کی تقریر کو آپ دیکھیں کہ کیسا جذبہ اور جوش تھا اس کا اس میں جو ہے جب وہ کشتی سے اتر رہا تھا تو اترتے وقت جو ہے گرا تو چت گر گیا زمین پہ وہ کشتی میں جو آپ جن کو تجربہ ہے کشتی سے اترتے ہوئے کشتی ڈاؤن ڈول ہوتی ہے جب وہ چت گرا تو بازو آزو والوں نے بچپا لی جب وہ چت گرا تو بچپا لی لیتے ہوئے کہا ارے ارے یہ تو ہمارے لیے منحوس بات ہو تو اس نے کہا کیا کام منحوس نہیں یہاں کی زمین نے مجھے گلے لگا لیا ہے سمجھ رہے اور اس کے بعد اس نے وہ پاورفل تقریر کی یا ایھا الناس کشتیاں جلانے کا حکم دیا آپ جانتے ہیں اس کا کارنامہ تھا کشتیاں جلانے کا اور محمد فاتح کا جس نے استنبول فتح کیا ہے دیکھیں ہم لوگ کبھی جو ہے استنبول کی تاریخ بھی بہت اہمیت کی تھی ترکی جانے سے احساس ہوا کہ حرمین کے بعد ایک سفر ترکی کا بھی ہونا چاہیے ہر عالم بہت بہتر میں کہنا چاہ رہا تھا زبان کی اپنی اہمیت ہے اور ہر موقع پر جیسے ہم مختارات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ نے سب تقسیم کر دیا مال کو تو لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی حضرت ابو سعید خدری کی ہیں آپ نے کہا کہ جمع کرو سب کو اور جمع کرنے کے بعد جو آپ نے وہ پاورفل تقریر فرمائی ہے علم آتی کم ذلال فہداکم اللہ بھی کہ ہمیں اس حال میں نہیں آئے کہ تم سب گمراہ تھے آپ جانتے ہو علماء کرام تو تقریر اور یہ جو ہے نا اس کا بھی ایک اہمیت ہے بہرحال زبان کی اپنی اہمیت ہے اور زبان ایسا نہیں تھوڑا بہت جو ہے نا مطلب یعنی ہم علماء کو دو سال کیوں اہمیت دی ابھی جو ہے نا حضرت مولانا بھی جو ہے ترغیب دے رہے تھے کہ دوسرا سال مکمل کرو یہ بہت اہمیت کا ہے انشاءاللہ دوپہر میں ہم لوگ جب خصوصیت بیٹھیں گے تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا بھی چاہوں گا کہ دو سال مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے
अच्छा तकरीरें जितनी भी हुई सबसे ये समझ में आया कि रॉ मटेरियल पूरी तरह तैयार, हर बच्चे में हर एक जो भी तकरीरें पेश किए उनमें सलाहियत है, ये तो वक्त के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट होगा और उसमें जो है निखार पैदा होगा। हम जब आपकी जगह थे तो उस वक्त तो पैर बहुत कांपते थे खड़े होते ही, समझ होते होते 15 साल होते होते अब थोड़ा जमाव आ रहा है, मतलब अब पैर नहीं कांपते हैं समझिए, तो अभी तो आप तो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह उस मदद पे आएंगे। अब देखिए जुबान की अहमियत मैंने बात की, इस वक्त जो है ना मतलब क्यों ज़रूरत है इंग्लिश की, ये एक बड़ा मौजू है, इस पर जो है ना मुनाकशा भी कर सकते हैं क्यों ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम बना है वो तालीमी निज़ाम में एक है स्कूल कॉलेज से पढ़ने वाला तबका और एक है मदारिस से पढ़ने वाला तबका। अच्छा ये निज़ाम दूसरी जगह नहीं है, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी अंग्रेज आने से पहले इस तरह का सिस्टम नहीं था। हाँ मौलाना मनाजिर हसन गिलानी की जो किताब है हमारा निज़ाम तालीम और तरबियत, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का क्या नहीं है। बहरहाल अभी जो वक्त फिल वक्त जो हम पॉइंट पे आते हैं, हो ये रहा है कि जो कॉलेज मदरसे में आने वाला तबका 2-3% है, बहुत मतलब मैंने ज़्यादा और ये भी करेंगे, जो 97% तबका है हमारा वो अपनी डगर पे चलता है, वो समझता है कि हमको उलमा से कोई लेन देन नहीं है, यानी मतलब ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये तबका उलमा से दूर होते जा रहा है, और उलमा चूंकि उनके जहनों को अपील करने के लिए, चूंकि उनके यहाँ जहनों पे एक सवाल है। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, शोलापुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जो है स्कूलें हैं जिसका मुस्लिम मैनेजमेंट है, लेकिन वहाँ इस्लाम नहीं बल्कि जो निसाब भी बना हुआ है वो भी अकायद को ख़राब करने वाला है। हम ये चाहते थे कि आधा घंटा वहाँ पर दीनी तालीम हो, मतलब अब मैनेजमेंट से बात करते ही वो लोग हाथ उठा देते हैं, भाई बयान के लिए कोई आलिम आएंगे तो उनके जहनों में था कि हमको क्या आलिम बयान करेंगे, समझ रहे, यानी ऑलरेडी उनको एक एहसास बरतरी है और हम लोगों को एहसास कम है। अच्छा मैं जब गया तो बिलकद पहली मरतबा इंग्लिश में ही बयान किया, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और समझे कि अरे भाई ये मतलब उनके जहनों को अपील करने की था, फिर वो खुद इस्तकबाल के तौर पर बुलाने लगे। उससे हम लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि अब हर स्कूल जहाँ मुस्लिम मैनेजमेंट है वहाँ आधा घंटा क्लास में दीनी तालीम होती है, ये एक फ़ायदा तो जुज़ी बताया मैंने। इस वक्त जो है ना माशियात है इसी तरह से कानून के होते हैं, जैसे अब तलाक का मसला ही चल रहा है, आप पूरी मीडिया में ज़रा एक सरसरी नज़र डालिए, कौन एक भी आलिम हमारे पास ऐसा नहीं है, या तो उन्हें आने नहीं देते हैं या नहीं के दर्जे में है समझिए, जो इस्लामी कानून का, अच्छा हर कानून इतना मजबूत है, हमारे यहाँ दावत के लिए तौहीद पे ही बात करना ज़रूरी नहीं है, या इस बात को मैं ज़रा वाजे करूँ, आप जनो पाकी नापाकी को ही गैर मुस्लिम के सामने बयान कीजिए, यही दावत के लिए काफ़ी है, यानी जैसे यदुल्ला कहकर अल्लाह का हाथ कहकर अल्लाह की कमाल है ना दात में, तो एक चीज भी बयान करे तो अल्लाह की पूरी ज़ात मुराद होती है, चाहे हाथ बयान करो जुज से अल्लाह की कुल ज़ात ही मुराद होती है। ऐसे ही दीन का हर मसला अपने अंदर इतना परफेक्ट है कि आप वो मसला गैर मुस्लिम को समझा दीजिए वो मुसलमान हो जाए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, ये बात मैंने दोहराई, आज से 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले बल्कि 2008-09 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, माली बहरान अलअज़मतुल मालिया, वो माली बहरान के बाद ओबामा आ रहे थे हिंदुस्तान, तो उससे पहले उन्होंने कुछ प्रोफेसर और कुछ वाइस चांसलर ऐसी एक टीम हिंदुस्तान भेजी थी, उन्हीं में एक थी प्रोफेसर जुडिशियांशियो, तो वो उनसे हमारे पहले एक मतलब रब्ता हुआ था, फिर वो कुछ कुरान और जो है ना कुछ आर्टिकल्स इस्लाम के मुतालिक दिए थे, तो वो बम्बई में अंधेरी में नोवेटल होटल में थे, तो मैं सोचा कि हमारे मुफ्ती यहिया साहब है दिल्ली में और मौलाना असलम जावेद साहब मरकज़ुल मारिफ बम्बई में है, तो उनसे फ़ोन किया, बहरहाल हम लोग पहुँचे वहाँ पर, फिर मैंने जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस टू माली बहरान आया, और उस तनाजुर में सूद की क्या नुकसान थे,
और ज़कात के क्या फायदे हैं, और दुनिया से गुर्बत अगर खत्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, इसको मैंने तफसील से बयान किया। वो इतना मुतासिर हुए कि फिर इसी पर उसने कुछ सवाल पूछे, फिर जो है ना वो फेसबुक के जरिए से वो कुछ सवाल आए, और उसके बाद अल्लाह ने यही चीज उसके लिए इस्लाम के तरफ आने का रास्ता खोल दिया। अच्छा यही नहीं, मतलब तजुर्बे कदम कदम पे जो है ना इतने होते हैं, जैसे खासतौर से गोरे लोग, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोगों की एक खूबी है, खामी भी कुछ है, खामियां नहीं, लेकिन जो खूबी है उनकी, वो खूबी, बड़ी खूबी यह है कि आप उन्हें अकली तौर पे और संजीदा तौर पे उनको समझा दो, उनके समझ में आएगा तो कबूल करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। एक मरतबा हम लोग मलावी से जो है साउथ अफ्रीका जा रहे थे, मौलाना तनीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ थे, मौलाना तनीम सिद्दीकी साहब आगे सीट पे थे, हम लोग पीछे बैठे थे, मेरे बाजू में एक गोरा था जो पीएचडी कर रहा था, अमेरिका का था, तो उसके साथ बात शुरू हुई। असल हम लोग जो है ना बात शुरू करने का भी अंदाज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अब वो बाजू में बैठा था तो मैंने कहा कैसे बात शुरू करें उसके साथ। अच्छा इत्तेफाक से खाना कभी हम लेते नहीं, वो मेहमान को मेज़बानों ने खाना पैक करके दिया था कुछ समोसे वगैरह, तो वो उतारा मैंने, कहा हे ब्रदर कैन यू हैव समथिंग विद अस, नो नो आई एम ओके, उसने मतलब मना कर दिया। तो बहरहाल वही एक कनेक्टिंग पॉइंट था हमारे लिए, फिर मैंने उससे बात शुरू किया, मैंने कहा आप चर्च जाते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, ये एक पैटर्न है अल्लाह ताला, यानी दहलियों के साथ बात करने, भाई तुम ऐसे ही आ गए दुनिया में या पैदा किए गए, पैदा किए गए तो पैदा करने वाला कौन है, फिर आसपास के जो है फेनोमिना है उसको किसने बनाया। बहरहाल इस पर मैंने 10 से 15 मिनट हमारी बात होते रही, बात होते होते मैंने उसको कहा आई इनवाइट यू टू एक्सेप्ट इस्लाम, उसने कहा आई एम रेडी, इट मेक्स सेंस टू मी, तो जैसे उसके समझ में आया उसने कबूल करने के लिए तैयार हो गया, तो मैंने उसको वहीं कलमा पढ़ा। अच्छा वो इतना एक्साइटेड था, उसने कहा मुझे लिटरेचर दो, मुझे पढ़ना है, मैं और ज़्यादा मालूम देना चाहूँ। बहुत से गौरों के साथ खासतौर से अंग्रेज़ों के साथ बात समझ, अच्छा मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें याद आ रही। एक चीज़ एक मरतबा एक गोरा है मेरे पास, वो गाय फौक करके एक त्यौहार मनाते हैं, उसमें फटाके वगैरह उड़ाते हैं, तो बोले कि फटाके उड़ाने में हरज क्या है तुम्हारे मुस्लिम है करते, मैं उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करा, मैंने उसको कहा इसमें फजूल खर्चे, उन्होंने कहा फजूल खर्चे कैसे है, हम $25,000 जो है ना खर्च करेंगे और उसको देखने का टिकट रखेंगे तो 50,000 कमा लेंगे। तो फिर अच्छा फिर इतने बात से मेरे जहन में दूसरी बात आई, मैंने कहा असल फटाके से जो है ना जानवरों पर बहुत गलत असर होता है, कि इंसान जो है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और कुत्ता जो है 40,000 तक सुन सकता है, उसकी जो है हियरिंग होती है बहुत क्यूट होती है, तो जब फटाका उड़ेगा ना तो उसे बहुत नुकसान पड़ता है, तो वो एकदम फौरन सरेंडर हुआ, नो यू आर राइट लास्ट ईयर ही टाइप है उसको वाकया भी, एक वाकया भी उसके सामने हुआ था, तो फौरन सरेंडर होगा, नो नो अब इस्लाम बिल्कुल सही है, ये इसकी तालीम, अब वो एक मसले पे झुक गया सामने तो इसका मतलब वो सारी चीज़ों में लेवल में आ गए। इतना ही नहीं माशियात है इस वक्त, देखिए चार चीज़ें, जुडिशरी आपको कानून के जरिए, इस्लामी कानून की फौकियत, अकीदे की फौकियत, कि भाई जितने भी अकायद दुनिया में पाए जाते हैं उन सब में बेहतरीन अकीदा है इस्लाम का। अच्छा ये भी एक अजीब बात है जो है ना, कि इस्लाम नेचुरल रिलीजन का क्या मतलब है, लोग कुछ भी बकते रहेंगे बोलते रहेंगे, लेकिन उनको स्टेज पे लाओ तो वही बात बोलना पड़ेगी जो इस्लाम कहता है। मसलन कोई 3 को खुदा कहेगा, कोई 33 करोड़ को कहेगा, कोई कुछ किसको खुदा बोलेगा, कोई किसको बोलेगा, किसी महावीर को, अलग अलग बोलेंगे, लेकिन उनको पकड़ के लाओ और स्टेज पे खड़ा करके बोलो कि यहाँ से आपको सब लोग सुन रहे हैं, आप इनके सामने अपना अकीदा बयान करो, तो सब क्या बोलेंगे, सब का खुदा एक है, समझ रहे क्या बोलेंगे, वो अपना नहीं बोल सकते क्योंकि मालूम है कि उनका चलेगा ही नहीं,
انفرادی طور پہ. اچھا کچھ بھی دوسرے بھی مسائل ہو, اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب دوسرے کاسٹ سسٹم بولیں گے, سر سے پیدا ہوا, ہاتھ سے پیدا ہوئے, ادھر سے پیر سے, سب بولیں گے کاسٹ سسٹم. لیکن ان کو لاؤ اسٹیج پر, بولو کہ یہ سسٹم بیان کرو لوگوں کے سامنے, وہاں کیا بولیں گے؟ نہیں, سب انسان برابر ہے. سمجھ لیں, آگرہ ان کو جھو جھکا کے اسلام پر, اس سے تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کا بھی, جو ہے نا ذکی کیفی کا شعر ہے نا, تنگ آ جائے گی دنیا خود اپنی چلن سے, تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کا. دنیا تنگ آ رہی ہے اپنے معاشی مسائل سے, اپنے سارے. تو دیکھیے, سب میں پہلے عقیدے کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو پاورفل زبان میں بات کرنا ہوگا. ہمارا یہ جو دو سالہ نصاب ہے, اس نصاب سے ہی میں بھی پڑھا, سمجھ رہے, مطلب میں ہم لوگ, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں مدرسے, اسی لیے میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بی اے وغیرہ کرو کورسپونڈنس کورسز, لیکن میں نے نہیں کیا تاکہ مدرسے کا لیبل میرے سے ہٹے نہیں. ہم لوگ مدرسے کے گریجویٹ ہیں, مدرسے سے پڑھے, شروع سے حفظ کیا وہی, مطلب دوسری تک اسکول گئے مدرسے میں پڑھے, اس کے علاوہ کوئی بیک گراؤنڈ ہمارا اسکول کا نہیں ہے. پھر جو ہے مدرسے سے پڑھنے کے بعد یہی جو دو سال آپ پڑھ رہے ہیں, ایک سال ہو گیا آپ کا, ایسے ہی دو سال ہم نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا, ابھی پڑھ ہی رہے تھے, مفتی اسماعیل مینگ ہیں زمبابوے کے, ان کے والد صاحب ہیں مولانا موسا مینگ, انہوں نے بہت کام کیا ہے زمبابوے میں, بلکہ وہ پائنیئر ہیں وہاں کے, رائج جس کو کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا آئے ہوئے تھے, پھر انہوں نے ایسے ہی مدرسہ دیکھ لیا جیسے مہمان آتے ہیں, پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ وہاں جائیے. میں یار وہاں گئے تو انہوں نے میرا بہت اکرام کیا, مفتی اسماعیل مینگ کی مجھے لے کر گھومتے تھے ہر جگہ, اور انہوں نے یہ سب دکھایا اور میں خود بہت سیکھا, بلکہ شروع میں پہلی مرتبہ سفر کرتے ہوئے ہوٹلوں کے نل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, سمجھ لیں اتنا بیک گراؤنڈ یہ تھا. لیکن موقع ملا, اچھا وہاں پر جو ہے پھر کیا ہوتا ہے, دیکھیے مطلب اپنے طور پہ نہیں بول رہا ہوں, آپ کے لیے خود اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کی گئی کہ مجھے جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے اسلام کا, دین کا, اپنے اندر ایک اڑھن. اللہ کے نبی کی جو ایک بڑی سنت ہے وہ تھی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر لیس النبرا, اللہ کے رسول مسلسل غم میں رہتے, مسلسل اڑھتے رہتے کہ کیسے میری امت کی, آج کتنی بڑے انسانیت کا ایک بڑا طبقہ بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. اچھا افریقہ میں جو ہے نا ایسا ہے کالوں کا حال کہ آپ جو ہے نا کہیں بھی جا کے ٹھہریے اور ان کو زیادہ لمبی چھوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بلا ایک کم ہے اور ان کو بولو کہ جو ہے نا مسلمان ہو جائے, تو صرف اتنا بھی بولنے سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے مسجد میں, بالکل نادان لوگ. اچھا محنت کتنی ہوتی ہے, ہمارے ہم لوگ محنت نہیں کرتے, جو وہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ شرم آتی کہتے ہوئے کہ ہم ان کا 1% بھی نہیں کرتے. عیسائی جتنی محنت کرتے ہیں ہم 1% بھی نہیں کرتے, میں گراؤنڈ سے بول رہا ہوں, مطلب میں دیکھ کر بول رہا ہوں. ابھی پچھلے میں جو ہے زامبیا میں, مطلب گزشتہ سال کی بات ہے, وہاں ابھی بھی چیف ڈم ہے, مطلب سرداری چلتی ہے, سردار کے ماتحت کچھ جیسے زمینیں وغیرہ سردار کی کہلاتی ہے, اور پھر منسٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں, مطلب کچھ طبقے کچھ چیزیں بانٹنی ہیں ڈپارٹمنٹ. تو ایک سردار جو ہے نا مسئلہ اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی, ہم نے موقع کلیما سمجھا, اسی وقت جو ہے مولانا کلیم صاحب کو بھی ہم نے بلایا تھا, میں خود زامبیا میں تھا, وہاں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں زامبیا میں بھی اس وقت. وہاں ہم نے 8 سال پہلے ایک یعنی شور سے پڑھے ہوئے تقریباً 8-9 علماء بھی کام کر رہے ہیں اسی مرکز المعارف کی سلسلہ میں. تو وہ لوگ وہاں پر جو ہے نا ایک علاقہ ہے, وہاں کے چیف کو ہم ملنے گئے اور ان کو اسلام کی بات کی, وہ چیف مسلمان ہوئے. تو ابھی ان کو جو ہے نا اس کے بعد انڈیا بلائے تھے کہ وہ چیف اور جو ہے نا ان کے ساتھ اور بھی حوالین آئے تھے. تو اس سے یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا جو ہے نا یعنی ہماری تھوڑی سی کوششوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر دیتے, بہت زیادہ مطلب اتنا عالم پورا وسیع ہے. اب جو ہے نا
इस साल की रिपोर्ट है कि यूके में 1,02,000 मुसलमान हैं, यानी लोग, ये तो अफवाहें हैं, जैसे तलाक का इशू और ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये असल माहौल को साजगार बनाने के लिए है। इसीलिए जब भी बात आती है मुस्लिम परस्परता को ख़त्म करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामी कानून को लाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कि हमारे पास तलाक का ही निज़ाम, अगर आप वाकई पूरे सिंसियरली 1 घंटा आप तलाक को सही से किसी गैर मुस्लिम को समझाएंगे, वो इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए कि उनके पास इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है ना, अमली है, जो ज़रूरत की चीज़ है। निकाह को जो है नेमत बनाया, तलाक को ज़रूरत बनाया, तो हर चीज़ में इतना कमाल है, हमें उनके सामने पेश करना है। इसी तरह से तो मैं ये कह रहा था, सियासी निज़ाम भी, दुनिया के तमाम सियासी निज़ाम फेल हो गए हैं, अब आपकी ज़रूरत है कि आप उनके सामने इस्लाम का निज़ाम दें। अभी पिछले में मालूम हुआ मिलिट्री स्कूल जो होती हैं उसमें रोमन जो है ना एम्पायर के जो है ना लड़ने की जो स्ट्रैटेजी होती थी, जंगी जो तदबीरें होती थी, वो पढ़ाया जाता है। तो अभी पिछले में जो है ना यावर बैग एक हैं हैदराबाद के, वो लीडरशिप इसेंशियल पे लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या हो तो कौम हार गई थी ना मुसलमानों से, तो उनकी प्लागिंग पढ़ाना चाहिए कि जो जीते थे उनकी पढ़ाना चाहिए। अकल क्या गई थी, वो हारे थे तो मिलिट्री में उनकी स्कूल में उनकी स्ट्रैटेजी क्यों पढ़ाई जा रही थी। ज़रूरत है कि हम जो है ना हमारा मुताला हो इतना गहराई के साथ, हम उसे बेहतरीन जुबान में पेश कर सकें, तो दुनिया आज भी लेने के लिए तैयार है। तो बहरहाल आज जो है हर तबके में काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो कानून से मुताल्लिक, हमारे जो है तलबा जो अंग्रेजी पढ़े हुए। अच्छा ठीक है, अब तलाक का जो मसला है ना, मैंने वो फैसला आते ही 392 पेजेस का था, तो मैंने फौरन उसको स्टडी कर लिया, पूरा पढ़ लिया। एक बार जर्नलिस्ट के दरमियान था, मैंने कहा आपने पढ़ा, तो खामोश हो गए, कोई भी कुछ पढ़ता नहीं है। वो फैसला अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अब इसमें इतना गुंझलग कर दिया है वो फैसला, बहुत गुंझलग है, और यानी मतलब बाकायदा उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि भाई अगर हम पढ़ेंगे तो। एक मरतबा जो है वो बीजेपी का जो है ना मैनिफेस्टो पिछले इलेक्शन में, मतलब हम लोग मुताले के साथ रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जब काम करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा खैर फैलता है। बहरहाल इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मैं फारिग हुआ, यानी मतलब होने के बाद जिम्बाब्वे जाना हुआ, जिम्बाब्वे में ऐसी शख्सियात आपस में मिलने का इत्तेफाक हुआ, फिर ईसाइयों के साथ जो है ना मतलब हम लोग यानी मतलब उनके साथ डिस्कशन करते, बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमारे यहाँ के जैसा माहौल भी नहीं है वहाँ पर, बहुत दोस्ताना होता है, बहस करें आपस में। इस तरह से टेलीविज़न पर भी बुलाए गए तो मैंने 9 जो है मुनाजरों में उनके साथ शिरकत किया। अब जो है मुनाजरे में जो है इजहार उल किताब आपके पास है तो आप उसे पढ़ पढ़ के जो है ना तभी आप मात नहीं हो सकते। तो बहरहाल अंग्रेजी ज़ुबान की अहमियत और जो जितने भी आज कल नए जो मसाइल आते हैं उन नए मसाइल में भी अगर आपके पास ज़ुबान है तो आप तह तक पहुंच सकते हैं। और सब में बड़ी दलील इसकी यह है कि जैसे कि जो है ना हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए, यतीम भी थे, मदीना वैसा यतीमों का ही शहर बन गया था अल्लाह के रसूल के आने तक, तो लाया गया, कहा कि इन्होंने 17 सूरते याद किया इस बच्चे ने, तो आप खुश हुए। और इसके बाद उनको कहा कि तुम यहूद की ज़ुबान सीखो, इसलिए कि यहूद पर मुझे इत्मीनान नहीं होता है। आप किसी से भी तर्जुमा करा के लेंगे, तर्जुमा जो है ना तर्जुमा नहीं होता है, वो सही से आपको सुकून मिल ही नहीं सकता जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ते। नए नए मसाइल जो आते हैं उस पर अगर पूरी दुनिया पर नज़र रखना है, अपने अहवाल से जानना है, अपने ज़माने के अहवाल को जानना है, और इसी तरह से कितने मिसकंसेप्शन की बात आती रही हमारी तकरीरों में भी, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, इन्हें दूर करने के लिए भी हमको उनकी ज़ुबान सीखना पड़ेगी, उनकी ज़ुबान में उनके मुताबिक जो है काम करने के लिए ज़ुबान की अहमियत है। इसलिए जो है ज़ुबान की अहमियत अपनी जगह है, और यानी अब जैसे बाहर मुल्कों में जहाँ भी आपको काम करने का मौका मिले, अफ्रीका में मुझे 4 साल का मौका मिला,
तंजीम की तरफ से बीच में मुझे जो है ना हज के लिए भी भेजे, वहाँ भी बहुत सारे एल्बम्स है, हर जुबान पे जरूरत होती। अंग्रेजी तो ये था कि माहौल मिल गया, ईसाइयों के साथ उनके साथ उठना बैठना बोलते करते मतलब ये हो। अरबी जुबान में हम लोग इतनी महारत नहीं करते, अरबों के सामने भी बाद मरतबा जो है मुझे कहा जाए कि जरा इनके सामने दावत पर बात कर, तो उस वक्त अहमियत। अभी तुर्की गए थे तो वहाँ भी अक्सर जो है अंग्रेजी नहीं चलती, तुर्की में ज़्यादा अरबी बोलने वाले मिलते हैं। तो बहरहाल बाहर हर जगह आप जो है जुबान जानने की वजह से हम अपना पैगाम उन तक पहुँचा सकते हैं, सब में बड़ी बात। अगर हम जुबान नहीं जानते तो शायद उनके जहनों को नहीं समझ सकते, उनको अपील नहीं कर सकते। इसलिए अफ्रीका में सब लोगों के साथ हर जगह जाकर जो है दीन की बात रखने और उनको जो है इस्लाम की तालीमात से रोशनाश करने के ये मौके हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त मौके हैं, पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाना है। तो उसके लिए अभी पिछले में जब मुसाबका हुआ था आसाम में, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने बहुत सारी मुफीद बातें इरशाद फरमाई थी, उसमें एक बात ये भी फरमाई थी कि अंग्रेजी ज़ुबान ऐसी हो गई है कि ये नेमत भी है कि अगर हम इसको एक को सीख लें तो बहुत सारी जुबानें सीखने से हमको बचना पड़ेगा, यानी बचाव हो जाएगा। मतलब ये एक जुबान सीख लिए तो आप दुनिया के बड़ी तादाद तक अपने दीन का पैगाम उन तक पहुँचा सकते हैं। तो बहरहाल दीन की तालीम उसे चाहे दावत अपने में दावत को तबलीग हो, बहरहाल हर बात का दूसरों तक पहुँचाना जो ज़रूरी है, उस सिलसिले में हमें इस जुबान का सीखना उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो उसी जज्बे के साथ जो सिस्टम चल रहा है और जज्बा हासिल करके पूरी दुनिया तक, कभी इंशाल्लाह हमारे ये तलबा वाइट हाउस से और कभी यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से दीन का पैगाम और दीनी तालीम की दीन की तालीमत पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। اب میں مولانا مظفر صاحب امیر سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا پڑھی جلسے گئے تھے۔